डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन होने वाला है राजस्थान के मोटर व्हीकल्स सब इंस्पेक्टर के बारे में। आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो आ चुकी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, फॉर्म कौन सा फिलअप करना है, ये इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब एक और प्रॉब्लम जो आप लोगों को आ रही है और जिससे रिलेटेड कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के गार्जियन से भी मेरी बात हुई, बहुत सारे लोग खुद से भी मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मैंने एक्सपीरियंस लेटर देखा भी है। जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस लेटर को लेके ही है कि एक्सपीरियंस लेटर में लिखें क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। कई सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप खुद ही एक फॉर्मेट दे दो। बहुत दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे थे, बट फॉर्मेट मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूँ कि अगर मैंने फॉर्मेट कोई सा डाला तो मैक्सिमम लोग वही फॉर्मेट बनवा के लेके चले जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ये प्रिज्यूम नहीं करना कर लेना है कि जो लोग मुझसे फॉर्मेट या फिर कैसा होना चाहिए इसके बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग बनवा ही रहे हैं सब लोग और फेक बनवा रहे हैं। एक रीज़न इसका ये है कि जो गाँव के वर्कशॉप्स होते हैं या जो छोटे मोटे वर्कशॉप होते हैं, उन लोगों को खुद ही बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। कुछ अगर आप स्पेसिफिक डालने के लिए कहोगे कि मेरे एक्सपीरियंस लेटर में ये डाल दीजिए ये डाल दीजिए, तो वो आपसे ही कहते हैं कि ऐसा करो तुम लिख के हमको दे दो कि क्या क्या डालना है और हम वैसे ही प्रिंट कर देंगे। कई सारे एक्सपीरियंस लेटर मैंने पढ़े हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कहोगे कि अनप्रोफेशनल, जैसे नॉन प्रोफेशनल लग रही है, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेंटेनेंस का, इनको सारे व्हीकल का बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब इस टाइप का आपके लैंग्वेज में आपके लेटर में नहीं लिखा होना चाहिए। देखिए आपका अप्रिसिएशन लेटर में होता है पर वो इनडायरेक्टली होता है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि कैसे बनाना है, आप वो चीज़ें एकोमोडेट करने की कोशिश करिएगा। मैं एग्जैक्टली फॉर्मेट नहीं दे रहा हूँ, इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मेट दे दूँगा तो मैक्सिमम लोग ऐसा ही बनाना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको कैसा बनाना है क्या रखना है उसमें मैं वो बता देता हूँ। जैसे आपका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो अगर आप उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को डाल सकते हो तो वेल एंड गुड। सबसे ऊपर तो वही लाइन होती है जो मैक्सिमम जगह मैक्सिमम लेटर में लिखा जाता है कि टू हूम सो एवर इट मे कंसर्न या टू हूम इट मे कंसर्न वाट एवर दैट, तो जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे जो लाइन होती है जनरली स्टार्ट यहीं से होती है मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेटर में कि दिस इज़ सर्टिफाइड दैट, फिर आपका नाम है कि आप इनके कंपनी में इस पोजीशन पे इस डेट से इस डेट तक ज्वाइन किए। अब ये भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस हो, उसमें आपका प्रमोशन भी हुआ, तो आप उसको भी उसमें एकोमोडेट कर पाओगे, कर सकते हो कि पहले इस पे ज्वाइन किया था, करेंटली आप इस पोस्ट पे वर्क कर रहे हो, आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर आपका एक आध साल का ही एक्सपीरियंस है, एक आध साल का ही बनवा रहे हो, तो उसमें ऐसा सच कुछ प्रमोशन वमोशन जैसा है नहीं, तो आप पर्टिकुलरली लिख सकते हो कि इस डेट के बीच में आपने इस पोजीशन पे सर्व किया है, इस पोस्ट पे सर्व किया है। डेफिनेटली इसके बाद थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी आपका लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है कि आपने, डिपार्टमेंट भी कई बार ऐड करते हैं, आप भी चाहो तो आप भी ऐड कर सकते हो कि जैसे आपका बड़ा अगर वर्कशॉप है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जनरली होते ही हैं, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सर्विस डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है, बॉडी होता है, कलर का डिपार्टमेंट होता है, तो अगर आप उसमें स्पेसिफिक मेंशन कर पाएँ कि आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया है, तो आपको मेंशन क्या करना है, सबको सर्विस या मेंटेनेंस ही मेंशन करना है, क्योंकि मेंटेनेंस या सर्विसिंग का ही उन्होंने मांगा ही है, ठीक है। तो वो दोनों में से जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हैं। आपका कई सारे लोग ये कन्फ्यूज़ हैं कि पोजीशन कौन सा लिखें, तो कोई भी पोजीशन आप लिख सकते हो, उनको पोजीशन से ऐसा लेना देना नहीं है। आप जो भी पोजीशन लिखना चाहे, सर्विस एडवाइज़र हैं, सर्विस मैनेजर हैं, जैसे भी आपका वर्कशॉप आपको पोजीशन देना चाहता है दे सकता है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप पोजीशन अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। हाँ, जब ये चीज़ें आपने मेंशन कर लिया कि किस डेट में किस पोजीशन में किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया, तो नीचे आप ज़रूर अपने बारे में कुछ अच्छा लिख सकते हो। वो मुझे नहीं पता कि आप लिख रहे हो कि आपके वर्कशॉप वाला लिख रहा है, अगर आपको कहा गया कि आप लिख के दे दो हम वैसा बना के दे देंगे, या फिर आप बैठ के वहाँ पर लिखवा रहे हो तो ज़रूर लिखवा दें। वैसे जनरली प्रोफेशनल जो लेटर्स होते हैं उसमें लिख के दिया जाता है कि आपका जो टेन्योर रहा है सर्विस का, उसमें आपने काफ़ी मेहनत की है, मतलब आप हार्ड वर्किंग थे, आप काम करते थे, सेंसियर थे, आप जो कोऑपरेशन था आपके कलीग के साथ वो अच्छा था, जो आपके सीनियर थे उनके साथ आप हम्बल थे या फिर अच्छे से बिहेव करते थे, वेल बिहेवियर था आपका। फिर इसके बाद जनरली एक फॉर्मल लाइन होती है कि हम आपके भविष्य के या उज्जवल भविष्य के या अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। डेफिनेटली वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, अगर हिंदी में बनवाते हो कोई ऐसा बैरियर नहीं है, हिंदी में भी बनवा सकते हो आप।
जनरली इंग्लिश रहता है, आप भी इंग्लिश फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जानते हो ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और आप तो हिंदी स्ट्रेट के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में भी रहेगा तो जैसे भी आप कंफर्टेबल समझें लिखवा सकते हैं। फिर नीचे कंपनी का नाम रहेगा, मतलब जिस वर्कशॉप से आप बना रहे हो उसका नाम रहेगा वहाँ पर, उसकी सील होना चाहिए, और जो भी अथॉरिटी है उसकी वहाँ पर साइन होना चाहिए। ज़्यादा अच्छा है कि आप जो वर्कशॉप है उसके लेटर पैड पे लें, वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जीएसटी नंबर हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट हो गया आपको बनवाने का। अब इसमें आप अपने हिसाब से क्या एडिशन या सबसेक्शन कर सकते हैं वो बिल्कुल अलाउ है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ कि कई सारे एक्सपीरियंस लेटर मैंने देखे हैं, उसमें मैंने देखा कि आपकी जो लैंग्वेज है बड़ा अनप्रोफेशनल सी है, मतलब डेस्पेरेट सी है, कि जैसे सामने वाला बस ये कहना चाहता है कि भैया हमारे वर्कशॉप में यही थे तभी वर्कशॉप थी, नहीं तो ये तो चले गए तो हमारी वर्कशॉप ही बंद हो गई। मतलब इस तरीके से डेस्पेरेट होके आपकी तारीफ नहीं करनी है, मतलब वो लगता है ना यार कि मतलब लगता है बंदा खुद ही बनाया है, खुद ही की तारीफ कर रहा है। तारीफ होती है पर वो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में होती है, इनडायरेक्टली होती है, तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली लैंग्वेज का ध्यान रखना है। कंटेंट क्या क्या डालना है मैंने बता दिया, सबसे ऊपर आपका नाम, नीचे कब आपने ज्वाइन किया, किस पोजीशन पे ज्वाइन किया, फिर उससे नीचे अगर उससे ऊपर किस पोजीशन पे ज्वाइन किया और किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, अगर आप लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, इन जनरल तो कोई बात नहीं। फिर आप उसमें सैलरी का ज़रूरी नहीं होता कि मेंशन करना होता है कि करें कि नहीं करें, सैलरी एज सच मेंशन नहीं करनी होती क्योंकि सैलरी के लिए अलग एक सैलरी स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो उसको एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन नहीं किया जाता है कि आपको इतनी सैलरी मिल रही थी। वैसे आपके पास अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि यहीं पर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सैलरी के लिए अलग सैलरी स्टेटमेंट होता है तो आप वो लेके जाएं, ठीक है। बाकी नीचे आपके विशेज रहेंगे बिल्कुल, बट उसको कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में रहे। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम बड़ा सा पेज भर ही देना है, कम भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी नंबर हो, और उसकी सील हो, और डेजिग्नेटेड पर्सन की साइन हो, और वो वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो, अगर उनके यहाँ पे कॉल और मेल जाता है तो वो ये कहने के लिए रेडी हो कि हाँ ये हमारे यहाँ जॉब करते थे, इस और इस टाइम ड्यूरेशन में करते थे, ये उनकी पोजीशन थी। तो ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन में हो सकती हैं, श्योरिटी के साथ होंगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मे बी अगर हुआ तो ये इतना तो हो कि आप वहाँ पे जॉब करते हो पता हो, एटलीस्ट जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको तो ये हुई कि आदमी यहाँ पे जॉब करता था, जिसके अंडर में आप जॉब करते थे उसको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्मेट नहीं देने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, तो आप फॉर्मेट की डिमांड ना करें, मैं दे दूंगा फिर आप दूसरे को शेयर करोगे, दूसरा तीसरे को शेयर करेगा, चौथे पांचवों को करेगा, फिर पता चले कि आधी पॉपुलेशन वही वाला फॉर्मेट लेके पहुंच गई है और वो देख के ही कह रहे हैं कि सारे फर्जी बनवा के लाएँ, भगाओ यहाँ से। फिर आप आके हमें कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे रहे हो कि आप जो फॉर्मेट दिए थे ना उसकी वजह से हमको भगा दिया। तो आप समझने की कोशिश करिए, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस जो होता है, अलग अलग कंपनी का फॉर्मेट होता है, वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें उसमें होती हैं, तो आपको उसके बारे में वरीड नहीं होना है कि किसी में बहुत अच्छा लिख के चला गया, भाई वो एक्सपीरियंस है, उसमें अच्छा लिखा है बुरा लिखा है मतलब उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको बस चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस है, आप कितना हार्डवर्किंग थे, कितना नॉलेज था, आप क्या क्या करते थे नहीं करते थे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में वाले जॉब नहीं दे रहे कि ये देख के देंगे कि आपको इसका है कि नहीं है, और टेस्ट भी नहीं है उसका एज सच कोई ऑफिशियल यूपी में, हालांकि टेस्ट है तो वो तो चेक कर लेंगे कि आपको नॉलेज है कि नहीं है, कि डॉक्यूमेंट्स बस बनवा के लाए हो आप, बट यहाँ पे तो एज सच कुछ है नहीं, तो उनको मतलब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर अपनी तारीफ नहीं करनी है, या फिर वर्कशॉप वाला कर रहा है तो कह देना भैया थोड़ा सा सिंपली बना दो, बहुत ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप बनवा सकते हो। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एज यूजुअल जैसे इंस्टा पे लिखते हो, टेलीग्राम पे लिखते हो, ऐप भी आ गई है डाउनलोड कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ पे भी कुछ आपको कंटेंट मिलेंगे, वहाँ भी आप मुझसे लिख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।